और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम भूपेश बघेल की मां का निधन हो गया है। कई दिनों से वो बीमार थी। सीएम की मां रामकृष्ण केयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल की मां का देहांत हो गया है। काफी लंबे समय से ये बीमार चल रही थी, उसके बाद रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जिस तरह से उनकी हालत स्थिर नहीं बताई जा रही थी, लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थी, लेकिन आज उनका निधन हो गया। और ये दुखद खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल की मां का निधन हो गया है। काफी लंबे समय से वो बीमार थी, लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थी और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उनका निधन हो गया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं रूपेश गुप्ता। रूपेश, बेहद ही दुखद खबर, सीएम भूपेश बघेल की मां का निधन हो गया। काफी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी जो कंडीशन थी वो काफी क्रिटिकल हुई, क्या था पूरा घटनाक्रम? देखिए, जब उनकी मृत्यु हुई तो उस वक्त उनके बेटे भूपेश बघेल उनके पास मौजूद थे और आज उन्होंने एक रायपुर के निजी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। लंबे समय से बीमार थी, काफी समय तक उनका इलाज हुआ, उनकी किडनी की प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ समय के बाद बीच में वो जरूर स्वस्थ हो गई थी, तो उनको ले जाया गया, लेकिन उसके बाद अचानक से उनको उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको हार्ट अटैक आया और उसके बाद जब भर्ती कराया गया तो उनका माइंड की जो संवेदना है वो कट गई थी नीचे के अंगों से और वो स्थिति को क्रिटिकल कर रही थी। बाकी सारे ऑर्गन्स काम कर रहे थे लेकिन ये एक समस्या लगातार बनी हुई थी। दो दिन पहले उनको वेंटिलेटर से हटाया गया था, ऐसा लग रहा था कि वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन आज अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और इसमें उनकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल, अगर देखें जिस तरह से रूपेश, बेहद दुखद खबर है, पूरे छत्तीसगढ़वासियों के लिए भी काफी दुख का माहौल होगा जिस तरह से, क्योंकि लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। कभी टीएस सिंहदेव भी लगातार अपने दौरे के दौरान उन्हें देखने पहुंचे थे, कई दौरे रद्द भी किए सीएम भूपेश बघेल ने, और जिस तरह से आज उनका निधन हो गया, कौन कौन देखने के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचे हैं इस वक्त? देखिए, फिलहाल तो उनके बेटे भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता हैं, लेकिन अब चूंकि ये खबर सब तक पहुंचेगी और सभी वहां पे पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी भूपेश बघेल की मां को देखने पहुंचे थे हॉस्पिटल, और आज जब उन्होंने अंतिम सांस ली उस वक्त उनके बेटे भूपेश बघेल वहां मौजूद थे। रूपेश, जिस तरह से अगर देखा जाए कि उन्हें जो बीमारी थी, एक जिस तरह से उन्होंने टी एस सिंहदेव ने जो कहा था कि थोड़ा सा वक्त लग गया अस्पताल उन्हें पहुंचाने में, तो क्या डॉक्टरों का क्या कहना था कि उनकी बीमारी में सुधार हो सकता था अगर समय रहते उन्हें लाया जाता तो? देखिए, डॉक्टर्स लगातार टीम लगी हुई थी और बीमारी का तो ये जाहिर तौर पे जब किसी की तबीयत खराब होती है, कोई सीरियस होता है, तो हॉस्पिटल अगर पहले पहुंच जाए तो उसका फायदा, तो उसका कम से कम रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस मामले में सरकार ने, भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के तौर पे और एक बेटे के तौर पर कोई कमी नहीं छोड़ी इलाज में, और डॉक्टर्स की टीम बाहर से आई हुई थी, उसने एग्जामिन किया, उसके ऑब्जर्वेशन में उनकी मां थी, और चूंकि उम्र बहुत ज्यादा था, ये एक सबसे बड़ा माइनस फैक्टर था उनकी तबीयत के साथ, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह बनी कि वो रिकवर नहीं कर पाई। बिल्कुल रूपेश, उनके पार्थिव देह को आखिर अस्पताल से क्या वो घर लेकर पहुंचे हैं या फिर तैयारी चल रही है, क्या वहां इस वक्त हलचल है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उनकी मौत हुई है और अभी वहां पे तमाम लोग पहुंचेंगे और उसके बाद ये निर्धारित होगा कि उनकी बॉडी को कहां ले जाया जाए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिरी समय तक एक अच्छे बेटे होने का जो जिम्मेदारी है वो निभाते रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जब भी उनको समय मिलता, जब भी वो मौका निकाल करके सबसे पहले वो मां से मिलने जाया करते थे, और हॉस्पिटल में रोजाना करीब जब से वो हॉस्पिटलाइज हुई हैं, लगातार भूपेश बघेल वहां पे जाकर के अपनी मां की तबीयत देखते रहे हैं, उनका हाल जानते रहे हैं, तो एक अच्छे बेटे में जो एक क्वालिटी होती है, जो उम्मीद होती है एक माँ को कि उसका बेटा उसका ख्याल रखे, वो भूपेश बघेल ने इस पूरे
उनके हॉस्पिटलाइज होने के बाद ये दिखाया है कि वो पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और लगातार आज भी वो गए थे देखने के लिए। महत्वपूर्ण बैठकें होती थी, उन बैठकों से जब भी वक्त मिलता वक्त निकाल करके भूपेश बघेल हॉस्पिटल पहुंच जाते और कई मुलाकातें वहां पे ही हो जाती, लेकिन वो माँ को देखने जरूर पहुंचते थे और रोजाना पहुंचते थे। बिल्कुल रूपेश, जिस तरह से देखें कि जब से उनकी माँ हॉस्पिटलाइज हुई थी तब से जो सीएम भूपेश बघेल हैं उनके चेहरे की रौनक सी गायब हो गई थी। जब भी वो किसी समारोह में जाते थे तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उनके चेहरे पर एक चिंता की लकीरें हमेशा खींची रहती थी। शायद यही वजह थी कि वो उनका ध्यान कहीं ना कहीं अपने माँ के पास ही रहता था। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चीज जाहिर भी होती थी जब वो किसी दौरे से आते थे, किसी कार्यक्रम से आते थे, तो पहला वो काम करते थे कि सीधे हॉस्पिटल जाया करते थे। आपको याद होगा कि लगातार जिस तरह से, चूंकि एक मुख्यमंत्री हैं उसकी जिम्मेदारियां हैं और एक माँ के बेटे हैं वो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, तो उन्होंने दोनों जिम्मेदारियों को इस दौरान प्रभावित नहीं होने दिया। जो सरकार की जिम्मेदारियां हैं सरकार की जिम्मेदारियों को पूरा किया, जनता से मिलने का कार्यक्रम हो या फिर कहीं पे जाना हो वो उन कार्यक्रमों में भी शरीक करते थे, सरकार के बड़े बड़े फैसले भी इस दरमियान हुए, लेकिन वो लगातार कुछ लोगों को जो उनके भूपेश बघेल के लड़के हैं चैतन्य वो लगातार हॉस्पिटल में थे, उनकी जो बेटियां हैं वो पारिवारी से आती जाती रहती थी, तो कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा हॉस्पिटल में रहता था और लगातार भूपेश बघेल उनके संपर्क में थे। जब भी उनको मौका मिलता अपनी माँ का हाल जानते और जब भी उनको वक्त मिलता वो सीधे पहुंच जाते हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में वो काफी वक्त रहे। मेरा मुझे याद नहीं आता कि किसी मुख्यमंत्री ने इससे पहले इतना वक्त किसी भी कारण से हॉस्पिटल में बिताया किसी दूसरे की तबीयत खराब होने पर। और ये भूपेश बघेल की व्यक्तिगत खूबी है जो सामने आई है कि वो बड़ा ख्याल कर रखते हैं अपने साथियों का, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। आप याद कीजिए कि रविंद्र चौबे को जब लखनऊ में उनकी तबीयत खराब हुई थी तो रोजाना भूपेश बघेल जब भी लखनऊ आते तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाते थे, तो वो हॉस्पिटल जाकर के मिलना, डॉक्टर से उनकी तबीयत की जानकारी लेना ये नहीं भूलते थे। और जब उनकी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा उनकी माता श्री पर आई तब भी उन्होंने अपनी ओर से पुरजोर कोशिश की, जो मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकती थी, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की स्थिति नहीं थी, उम्र ज्यादा था, लिहाजा यहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स को बुला करके लगातार उनकी निगरानी में एग्जामिन कराया गया, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने अपने तरीके से ट्रीटमेंट किया, तो ये लगातार चलता रहा। और इस बीच में ऐसी स्थिति भी बन रही थी कि भूपेश बघेल की माता की तबीयत सुधर रही है, ऐसे संकेत मिल रहे थे, लेकिन उसके बाद हालत बिगड़ी। बिल्कुल रूपेश, पूरी इस पर नजर बनाए रखिएगा घटना पे, और तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। वही अपने बयानों और ट्वीट को लेकर